नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं अभी किन्नौर वैली, और किन्नौर वैली में है हम अभी सुसाइड पॉइंट पे। तो हम क्या सुसाइड करने नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि ये सुसाइड पॉइंट देखे। एक्चुअली यहाँ पे ना बड़ी खाई है ऊंची, सो इसलिए उसे कहा जाता है सुसाइड पॉइंट। और यहाँ की कल्पा की एक ही चीज़ है जो देखने लायक है, और बाकी तो वैली आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर वैली है। मैं दिखाऊंगा इस तरफ से कि किस तरह से ये सुसाइड पॉइंट दिखता है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सुसाइड पॉइंट, कोई भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल रोलाक्रिक समुद्र तल से ऊंचाई 160 मीटर। अरे वार्निंग कहा गया है, यहाँ गिरते हुए पत्थर से दुर्घटना संभव क्षेत्र है, ज़्यादा देर हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो किस तरह का सीन है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारा पत्थर ही पत्थर है। और वहाँ पे देख रहे हो स्नो कैप्ड माउंटेंस है, ये देखिए, ये देखो, ये आपको स्नो दिख रहा होगा छोटा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इसको बोलते हैं किन्नौर वैली, इस वैली को कहते हैं किन्नौर वैली। काफ़ी ऊंची है और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे बनी हुई है ये। और फिर आगे यहाँ पे भी एक पीक है, यहाँ पे भी देखिए स्नो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह की कुछ ये वैली है, और हम इधर से आए हैं और हम फिर से वापस इधर से जाएंगे रेकांगपियो की तरफ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट है वो सुसाइड पॉइंट, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और ये कुछ तरह इस तरह सी वैली है, ये बहुत गहरी है भाई, हाँ यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल है। बाप रे बाप, बड़ा ही सुंदर व्यू है यार, किन्नौर वैली बोलते हैं उसको। हम थोड़ा आगे आए थे उस पॉइंट का थोड़ा सा वीडियो लेने के लिए। ये देखो पत्थर कुछ गिर गया ना ऊपर से, दिख रहा है ऊपर तक, बाप रे बाप, बहुत ही बड़े पहाड़ यार ये किन्नौर वैली, बड़ी सुंदर ऐसी। चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं है यहाँ पे, काम 25 वाला ये काम है यहाँ पे आना, मतलब बहुत सुंदर वैली है यहाँ पे। जब विंटर में आओ तो मज़ा आएगा। तो ये था किन्नौर वैली का नज़ारा, सुसाइड पॉइंट बोलते हैं इसको, सुसाइड करने जैसा ही है। तो सारा सुसाइड भी कोई नहीं करेगा, इतना डर जाएगा यहाँ पे आने के बाद। सो आई लव किन्नौर, नो प्रॉब्लम। तो ये थी किन्नौर वैली, देखो रास्ता कितना छोटा है भाई, कैसे आओगे कैसे जाओगे, गाड़ी में एकदम बड़ा मुश्किल है। माउंटेंस देख लो, स्नो कैप्ड है उधर ऊपर, स्नो है। चलो अभी जल्दी चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने कुछ खा लिया, मैगी वगैरह पानी वगैरह पी लिया, चाय वगैरह पी ली, यहाँ की जो स्पेशल चाय होती है। और ये रेकांगपियो से होकर एक गांव है इधर सुसाइड पॉइंट के आगे, उधर जा रही है। देखो कितना सा रास्ता है, और एक दूसरे को एडजस्ट करके जाना पड़ता है, ठीक है। सो चला जाए, काम 25 वाला काम है भाई। तो टाइम चेक, अभी बज रहे हैं 2:23, और ये रेकांगपियो हमने कर दिया, कल्पा कर दिया, है ना। काफ़ी अच्छा शहर है रेकांगपियो, और काफ़ी बड़ा शहर है। पेट्रोल भर दिया भाई यहाँ पे, क्या है सुना है कि पू में भी अभी 1.5 साल पहले पेट्रोल पम्प खुला है, बट नहीं मिला तो उसके बाद पेट्रोल पम्प नहीं है। तो मैंने क्या कर लिया, 5 लीटर कैरी कर लिया, और टाके अपनी गाड़ी की फुल कर दी, तो काफ़ी अच्छा हो गया, भर गया अभी अभी कुछ नहीं। लेकिन चला सादा पेट्रोल नहीं मिला, स्पीड का ही मिला, तो ठीक है कोई बात नहीं, देना ज़रूरी है भाई, मिलना ज़रूरी है, गाड़ी का ढकल तो थोड़ी लेके जाओगे। ये देखो खड़ी चढ़ाई, गियर कंट्रोल करो, उसके अलावा
कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नज़ारों में। अगर नज़ारा है तो मैं खोल देता हूँ कैमरा, देख लेना भाई। ठीक है, आ गए वहीं पे जहाँ से हमने ऊपर टर्न लिया था। ये जाता है रामपुर, ठीक है, नारकंडा, और ये जाता है पू काजा और स्पीति, और इसी रूट से हम मनाली बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से रास्ता अच्छा है, वेरी गुड। अरे यार, फिर ये डिफेंस